बाजी तुम खुद हो। हाँ हमारा आउटफिट, आप लोग बताओ कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। हम दोनों की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। सब लोग भी सो रहे हैं अभी तक, एक उस साइड पे सो रहे हैं और ये तीनों इस साइड पे। उठो, ईद मुबारक। वापसी में आके लोगों को ना वाइप्स के साथ साफ भी करना है, कैसे गंदे हो गए हैं ये लोग। साने ने साने मेहंदी लिया जी का, ये रहा। सही, चलो तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि गली में कोई भी नहीं है, फुल सन्नाटा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ईद है आज। आज मेरे ख्याल में सब ने रोज़ा रखा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आ रही रही अपना मेहंदी आधे रास्ते में छोड़ दिया। आधे रास्ते में साने ने अपना मेहंदी छोड़ दिया और गलियों में इतना रश भी नहीं है। खुशखबरी, कोलकाता में बारिश बारिश होने वाली है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। बिना मेहंदी भी सानिया दोबारा से मेहंदी लगवाओगी? अल्लाह माफ़ करे, कभी नहीं लगाऊंगी। इससे तो मेरा वाला मेहंदी अच्छा है। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। Minutes later. Assalamu alaikum everyone. कैसे हैं आप सब? Hope so कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे। Hello guys, welcome to my channel. तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। और सानिया फिर से वापस आ गई है, वो इस वजह से क्योंकि आज ईद है। तो आज है सेकेंड ईद, क्योंकि पहले ईद पे हम लोग कहीं पे गए भी नहीं और घर पे ही थे, इस वजह से तो आज सानी ने कहा कि चलो तैयार हो जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, कम से कम ये तो लगे कि ईद है। तो हम दोनों की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। तो सानी ने मुझे ईदी नहीं दी है। सच कह रही है, मैंने ईदी नहीं दी क्योंकि मैंने खुद ईदी जमा नहीं किया ना, इस वजह से। ये नहीं बोल सकते कि तुम बड़ी हो, तुम्हें मुझे देना चाहिए। उल्टा ये बोल रही कि मैं निधि जमा नहीं किए। सही कह रही, सच कह रही हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, जब सानी मुझे ईद मुबारक की बात करेगी तो मैं इसको ईदी दूंगी। अच्छा, अदरवाइज नहीं दूंगी मैं। तो सही, ठीक है, मैं अभी ईद मुबारक करूँगी। सही है, फिर पैसे भी मिलेंगे मुझे। सही है। और हम लोगों ने अपने हाथों पर मेहंदी भी लगाई है, मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है।
मेरा तो ये वाला हाथ उस पाजी ने खराब किया। सानिया ने ये वाला जो मेहंदी है कितने का लगवाया? ये 300। 300 का लगवाया। हालांकि जो मेहंदी वाली लड़की है औरत ने कहा था कि 1000, लेकिन बीच में सानिया ने छोड़ दिया क्योंकि वो सीसी मेहंदी नहीं लगा रही थी इस वजह से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, पता नहीं कहाँ पर, लेकिन जाएंगे सर्कस, फिर वहाँ से अगर हुआ तो मॉल भी जाएंगे आइसक्रीम खाने। तो लेट्स गो, जाते हैं। नहीं रुको गाइस, अभी हमारा वो ड्रेसअप भी देखो कि हम लोगों ने किस तरह ड्रेसअप किया है। हमारा आउटफिट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, ये रहा हमारा आउटफिट। आप लोग बताओ कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह से अच्छी लग रही हो तुम। बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर रखा हुआ है खाने की चीज़ें। ये बोसराख है, और ये हार्ट वाला मिस्किट है, और ये सर्कल वाला मिस्किट है, और ये ठाई वाला मिस्किट है, ये ट्रायंगल स्क्वायर फेयर वाला बिस्किट है ना, ये नहीं, ये जो है ये इक्वल बिस्किट है। इक्वल यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये इक्वल वाला बिस्किट है, ये काजू है, ये चना है, ये के वो किश्ते है, गोल किशमिश नहीं किशमिश गोल किश्ते है, ये पिस्ता है, ये पिस्ता है जिसका मुंह खुला हुआ है, और ये किशमिश जिसका मुंह बंद है। यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है, बस अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही रखा है। पर है चीनी। चलो ये सानिया, चलो लेट हो जाएंगे। और ये रहा हमारा बैठक। हाँ चलो लेट हो जाएंगे। अभी तुम्हारी बारी, अभी मारे की बारी है, जाके बैठ जाओ। हाँ तो मैं हूँ मारिया, सबका करूँगा खात्मा। मेरा नाम है फातिमा, सबका करूँगी खात्मा, लेकिन मैं फातिमा नहीं हूँ, मैं मारिया हूँ। और अच्छा अपना मेहंदी तो दिखाओ। वाह, यहाँ पर मैंने नहीं लगाई है, और पाँव पे मैंने मेहंदी लगाई है। अच्छी लग रही हो। नाखूनों पे लोग नेल पॉलिश लगाते हैं, और मैंने मेहंदी लगाई है। तो मैंने भी मेहंदी लगवाई है ना, सही है। और आप लोग मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हो। कितना? 10 में से 10। 10 में से 10। 10 फिर तो सही है, ठीक है। सो गाइस, ये रहा मेरा वॉलेट, और मैं जाके अपने लिए निकालती हूँ पैसे। हैंड बड़ा वाला बैग, ये तो मेरा वॉलेट है। अभी मैं जाके बड़ा वाला बैग निकालूँगी अलमारी में से। ये साने का है, और इधर तैयार हो रही है। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ यहाँ पर बैग निकालने के लिए, और ये रहा अलमारी का सूरत हाल। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला निकालूं या एक और भी है इसमें, ये रहा। ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है? आई थिंक दिस वन इज बेटर, ये वाला लूंगी। और यहाँ पर बर्फी साइबर सो रही है अपने बच्चों के साथ। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा मॉल बंद है, सिर्फ
मॉल का फूड कोर्ट ही खुला है। करके खाते हैं, खाना खाने के बाद में ने खाना खा लिया और खाना बहुत ही मज़े का था और टेस्टी था। मैंने तो क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा खाया, रिदा और सानिया ने तो अपने लिए ऑर्डर किया था क्रंच बर्गर। तो बस अभी हम लोग आए हैं फन प्लेनेट और ये बच्चों के खेलने की जगह है। बस हम लोग ऐसे ही विजिट के लिए आए हैं देखने के लिए। तो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा डेकोरेट किया है यहाँ पर और इतना रश भी नहीं है, बस फूड कोर्ट के एरिया में थोड़ा सा रश है। और मेरे ख्याल से जो ज़्यादा रश है वो सर्कस में होगा। तो अभी बस थोड़ी देर यहाँ पर घूमेंगे, घूमने के बाद फिर जाएंगे सर्कस, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाजी तुम खुद हो मारे बाजी। सभी लोग जा रहे हैं बाहर और देखते हैं कि हमें रिक्शा मिलता है कि नहीं। और मिलेनियम मॉल के सारे शॉप्स बंद हो चुके हैं, मतलब बंद है।
लोग पहुंच गए सर्कस में और ये हमारे घर के पास ही लगाया है और अभी हम लोग आए हैं झूले पे बैठने के लिए और इतना ज़्यादा रश है कि मैं इसे वीडियो नहीं बना सकती। मैं और सानिया बैठ गए झूले पे और हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और आप ये देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है और अभी हम लोग आ चुके हैं घर। मैं घर आ गई और मेरा सर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मेरा दिल ऐसे ख़राब हो रहा है पता नहीं क्यों। तो इतना ख़ास एंजॉय नहीं किया हम लोगों ने, बस मॉल गए, खाना खाया, फन प्लेनेट में हम लोग घूमे, फिर आ गए सर्कस, फिर वहाँ से आए वापस घर। तो बस यही था। तो इसी के साथ आज के ये ब्लॉग यही प्रेजेंट करती हूँ। होप सो क्या सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।